मेरे सामने हमने पिछले समय घोषणा की थी कि सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। निश्चित रूप से सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इस बात से सहमत को जरा एहसास तो कराओ और इस खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा नाम है आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के नाम पर करने की घोषणा करते हैं। मकरोना महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के साथ आपने कहा कि पीजी कक्षा स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की घोषणा करना, मैं मकरोनिया के लिए स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की इसी सत्र से घोषणा करता हूँ। पीजी कॉलेज के नाते मकरोनिया के बच्चों को भी लाभ मिलेगा और बंडा लाइब्रेरी मानती थी बंडा महाविद्यालय भी आने वाले समय में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है, आने वाले समय में ऐसे छोटे हवाई जहाज लाए जाएंगे जिनके माध्यम से यह हवाई यातायात की सुविधा मिलेगी। 12 सीटर प्लेन, मैं पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था तब वेंचुरा हम चलाते थे, हमारी सरकार उसका भी निर्णय कर रही है। कल तक वो सौगात मिलेगी, उसमें सागर को भी जोड़ा जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कोई भी बीमार आदमी अगर अपने जीवन में कष्ट पाकर के हॉस्पिटल में उसका अच्छा इलाज करना है तो कलेक्टर के माध्यम से अगर उसको और बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी और अच्छी जगह पहुंचाना है तो हमारी सरकार ने घोषणा की है एयर एम्बुलेंस की, गांव से गांव छोटी से छोटी जगह में भी हर आदमी को एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी, ये हमारी सरकार का निर्णय है। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की धरती शिक्षा को लेकर के पूरे देश को क्या दुनिया को आधारित करके लिए हर एक किसी की इच्छा होती है कि शिक्षा दीक्षा अगर होना हो तो मध्य प्रदेश की धरती पे आए। 5000 साल पहले संजीवनी आश्रम अपने प्रदेश में था, भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद शिक्षा दीक्षा लेने आए तो हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे आए और आधुनिक समय में अपने पूंजी से इस बुंदेलखंड जैसे वीरों की धरती पर शिक्षा की मशाल जगाने के लिए यहाँ के अपने सपूत डॉक्टर हरु सिंह गौर द्वारा वंदन करो हरि सिंह गौर जी का। जीवन भर की सारी पूंजी अपनी तरफ से दान करते हुए और यहाँ शिक्षा की अलग जगह पूरे देश में नाम था सागर विश्वविद्यालय का, पूरे देश में जोड़ा वंदन करे माने हरि सिंह गौर जी। मुझे जानकारी दी गई है कि हम में से कई लोगों की इच्छा है हरि सिंह गौर जी को भारत रत्न मिले, मैं भी समर्थन करता हूँ आदमी तौर पर हरि सिंह गौर जी को निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए। जोड़ा ताली में जाकर के मेरी बात का समर्थन व्यक्त करें और हमारी इस धरती पर अब जो आज इतिहास बनने जा रहा है एक नया इतिहास बन रहा है। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिले हैं लेकिन पूरे देश की तो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन ये मध्य प्रदेश के लगभग 55 जिले में एकमात्र जिला बन रहा है सागर, जहां एक नहीं दो दो सरकारी विश्वविद्यालय, भारत सरकार का भी और हमारी सरकार का भी, राज्य सरकार, ये एकमात्र गौरव अगर किसी को है तो सागर की धरती को है। और उससे बड़ी भाग्य की क्या बात कि जब हम हमारे विश्वविद्यालय बनाए तो विश्वविद्यालय के नायक कौन होना चाहिए, किनके नाम पे वो नाम रखा जाना चाहिए, आप बताओ किनके नाम पे होना चाहिए।
जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश का सम्मान से सिर ऊंचा किया, ऐसी रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की हमारी सरकार ने घोषणा की। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान ये इसी बात के लिए जाने जाते हैं जहां नई भविष्य की पोल तैयार होती है, जहां हमारे अपने गुरुकुल के माध्यम से सबका अपना आने वाला समय समृद्ध होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में यशस्वी प्रधानमंत्री के जोरदार कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने लाल मेघालय के समय से चली आने वाली सभी गली खराब नीति में कई सारी कमियों को पाते हुए यद्यपि दो बार और शिक्षा नीति आई लेकिन पूरा काम नहीं हुआ था, पूरी नीति को बदलने का यश और एक नीति तो क्या समूचा ढांचा बदलने का यश जिसको मिला है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारे नायक की तरह नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, जिनने कहा कि हम शिक्षा में केवल कागज की डिग्री देने वाले विश्वविद्यालय नहीं चलाना चाहते, हमारे बच्चों के हाथ में हुनर होना चाहिए, हमारे बच्चों की जिंदगी में उसकी शिक्षा महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए और जिनको वाकई उच्च शिक्षा में आना वो उच्च शिक्षा में आए, जिसको अपने हाथ में कामकाज चाहिए वो मिडिल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी करते करते अपने जीवन की लाइन तय कर ले, वो कोई भी अपने हाथ में हुनर ले आए, और जिनको पढ़ना है हमारे यहाँ ज्ञान की उम्र से कोई सीमा नहीं जोड़ी है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है नई शिक्षा नीति जो हमने लागू की है, इस नई शिक्षा नीति में बहुत सब जोड़ा है जिनके कारण से अतीत का गौरवशाली ट्रस्ट भी मजबूत हुआ है और हमको अपनी संस्कृति पे गर्व हुआ। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे सभी महापुरुष जिनके जीवन के अच्छे अच्छे पाठ है वो सारे के सारे पाठ संकलित करके हमने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, मुझे इस बात का गर्व है। अपने जीवन काल में ऐसे कई सारे मौके आएंगे जब हमको अपने गौरवशाली अतीत से सबक लेने की आवश्यकता पड़ेगी, किसी और मौके में किसी और बात बोला जाएगा। माननीय गोपाल जी भाई साहब कह रहे थे कि ये विश्वविद्यालय जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी पहले तो मान हमारे सागर से उठी, सभी लोगों ने कहा कि जब विश्वविद्यालय हुआ है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छी कौन सी बात होगी, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद राज्य के पढ़ने वाले बच्चों के सामने जो संकट खड़ा हुआ इसका आंकलन उस समय नहीं था, बाद में ध्यान आया गलती हो गई, नया विश्वविद्यालय भी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चाहिए। अब तो और भाग्य की बात है हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दी और नया विश्वविद्यालय भी दिया और 100 दिन के अंदर करके दिया, 100 दिन भी पूरे नहीं हुए नई सरकार को बने को, लेकिन 100 दिन से भी कम समय में इसी अगले सत्र में हमारा विश्वविद्यालय प्रारंभ होगा, इसी सत्र से हमने कहा विश्वविद्यालय का भूमि पूजन होगा, उसकी बिल्डिंग बनती रहेगी। अभी 2 महीने भी नहीं हुए जोरदार तालियों का सुरेंद्र जी बता रहे हैं, लेकिन आपकी मांग मान ली गई और अगले इसी सत्र से हमारा विश्वविद्यालय कामकाज करना शुरू करेगा अपने सभी पाठ्यक्रम। अभी मेरे जानकारी में आया है कोई लाल कोर्स की बात कर रहा है, कोई नए कोर्स की बात कर रहा है, यहाँ के बच्चे जो जो कोर्स चाहेंगे जो पाठ्यक्रम चाहेंगे वो सारे के सारे अपने विश्वविद्यालय में खोले जाएंगे रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय में। कोई ऐसा कोर्स नहीं बचेगा जिसके माध्यम से हमारी मन में तीस ले जाए कि ये कोर्स होगा और अच्छा होगा। सागर में सदैव पूरे प्रदेश का नहीं शिक्षा के मामले में देश का नेतृत्व किया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है सागर का वो गौरव हम लौटा कर रहेंगे, सागर को वो गौरव दिला कर रहेंगे। आज के अवसर पर यहाँ मित्रों ने कुछ मांग रखी मेरे सामने,
सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की। निश्चित रूप से सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इस बात से सहमत को जरा एहसास तो कराओ और इस सुनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा नाम है आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के नाम पर करने की घोषणा करते हैं। जिनने पूरा जीवन अपने आप में विश्वविद्यालय चलते फिरते थे, चलते फिरते जो मनुष्य रूप में जरूर आए लेकिन देवत्व को धारण कर लिया। मैं परसों ही उनके उस पुण्य स्थान से होकर के आया हूँ। मैंने नमन किया है उनको, उनका आशीर्वाद हम सब पे है। जीते जी जो जीवन में सबको मानवता की शिक्षा देते रहे, आध्यात्म की शिक्षा देते रहे, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर अगर अपना आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय करते तो हम उनको वाकई आदरांजलि दे रहे हैं, ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक मांग और रखी है रविदास जी, बोले रविदास महाराज की। एक मांग बताई कालिया जी और बाकी लोगों में कि सड़क की कमी है, तो निश्चित रूप से रविदास जी महाराज के उस स्थान पे सड़क की कमी की भी बनाने की घोषणा कराऊं। जोरदार ताली बजा करके हमारे रविदास जी महाराज को स्मरण करें, आज ही मैं नमन करता हूं। हाँ रविदास लोग कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत, जो आप कहेंगे वो करेंगे। मकरोनिया महाविद्यालय में जरा बैठो भाई आराम से, मकरोना महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के साथ आपने कहा कि पीजी कक्षा स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की घोषणा करना। मैं मकरोनिया के लिए स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की इसी सत्र से घोषणा करता हूँ। पीजी कॉलेज के नाते मकरोनिया के बच्चों को भी लाभ मिलेगा और बंडा लाइब्रेरी मानती थी, बंडा महाविद्यालय भी आने वाले समय में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। मेरी जानकारी में आया कि यहाँ हवाई पट्टी अंग्रेजों के समय से चली आ रही, लेकिन हवाई पट्टी में हवाई जहाज नहीं उतरते, हवाई जहाज की जरूरत है। और अब हवाई जहाज कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गए, आने वाले समय में जैसे हमने पहले घोषणा की है कोई भी बीमार आदमी अगर अपने जीवन में कष्ट पाकर के हॉस्पिटल में उसका अच्छा इलाज करना है तो कलेक्टर के माध्यम से अगर उसको और बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी और अच्छी जगह पहुंचाना है तो हमारी सरकार ने घोषणा की है एयर एम्बुलेंस की। गांव से गांव छोटी से छोटी जगह में भी हर आदमी को एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। यह हमारी सरकार का निर्णय है। हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है, आने वाले समय में ऐसे छोटे हवाई जहाज लाए जाएंगे जिनके माध्यम से यह हवाई यातायात की सुविधा मिलेगी। 12 सीटर प्लेन, मैं पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था तब बेंचुरा चलाते थे, हमारी सरकार उसका भी निर्णय कर रही है। कल तक वो सौगात मिलेगी, उसमें सागर को भी जोड़ा जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आने वाले समय में सागर से भी आपको जाना पड़े तो हवाई यातायात राज्य स्तर पर कराने की घोषणा कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ भाषण देने आ रहा था, उसके पहले यद्यपि आज का दिन तो और बड़ा दिन है, सेमी कंडक्टर बनाने के लिए हमारे अपने आईटी के बच्चों को भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना मिलेगी। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजाएं, आज का दिन उन्होंने सेमी कंडक्टर वालों के लिए घोषित किया। इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ करके मैं धार से आपके बीच में आऊंगा, लेकिन ये भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक की दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय कदम होगा। कई सारे सौगातें ये लगातार जारी रहेगी, लेकिन अब आपके हाथ में है। हमारे इस सरकार के किए काम, माननीय मोदी जी के किए गए काम, इन कामों से अगर आप सहमत हो तो जोरदार ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन करें। आने वाले समय में हमको केवल मोदी जी
दृष्टि से भी मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक बार घोषणा कर देता हूं। मेरे पास यहां पर मोहित राजपूत किडनी के रोगी की एक बच्चे की मेरे पास रिकमेंड आई है, एक किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। और यहाँ के कई सारे लोगों ने मेरी मुलाकात करके लगभग 5-6 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके 11 लाख रुपए लग रहे हैं। तो आपने कहा चिंता मत करो, आगे आपने कर दिया, आगे मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूँ, 5 लाख रुपया उस बच्चे के इलाज के लिए भी देंगे। ये सरकार सिरोजा गांव का बच्चा है, कहीं का ही बच्चा हमारा है, पूरे प्रदेश में किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बीमार के लिए कोई भी कष्ट हो सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। अब लालच मत करो, भोर हो गया, अब मत पास, अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं सुन रहा हूं। जोरदार तालियां बजाओ अपने आज पूरे आयोजन के लिए। एक अगली पकड़ी, दो पकड़ी, तीन पकड़ी, पूरे पकड़ लो, थोड़ा खेलो तो सही, जल्दी क्यों कर लो, आखिरी बार थोड़ी आया, बार बार आता बनू आना नहीं आओ बिना जोरदार ताली मिला। जो जो आप मांगोगे, ये कौन से ये एक और केसरी महाविद्यालय का, चलो आपकी भी मान लेते जनाया, एक केसरी महाविद्यालय में साइंस का कोर्स भी खोला जाएगा, जोरदार ताली बजा करके। मेरी बात समाप्त करता हूँ, बोले भारत माता की। लेकिन आप चुपचाप नहीं बैठोगे, आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और मुट्ठी बांधो और हम संकल्प करें 22 जनवरी को प्रभु राम ने अपने धाम में मुस्कुरा करके नए सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व प्रारंभ किया है मोदी जी के नेतृत्व में, ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। हमारे लिए आने वाले समय में सनातन संस्कृति की जय जयकार करने के कोई भी मौके आएंगे, ये सरकार पीछे रहने वाली नहीं है। बोले मेरी बात से सहमत है तो बोला जय जय श्री राम। विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से, NH 44, बामौरा सागर, मध्य प्रदेश।